हाय फ्रेंड्स, आपका आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे द मास्टर माइंड्स क्लास क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। साइंस का पहला चैप्टर है ये। लाइन बाय लाइन मैं इसको समझाऊंगा और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपकी रह जाए। पहला पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है और जो भी वो फूड खाते हैं उससे उनको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का वो जो यूज़ है वो अलग अलग प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन मींस एंड एक्सक्रिएशन। तो डाइजेशन मींस होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। रेस्पिरेशन, जो हम खाना खाते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद एक हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है जिसके जो रिएक्टेंट होते हैं वो फूड और वाटर ऑक्सीजन होती है, और उसके बाद जो हमें मिलता है प्रोडक्ट वो एक एनर्जी फॉर्म में हमें मिलता है और उस एनर्जी से हम अपने लाइफ के प्रोसेसेस करते हैं। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन वो प्रोसेस होता है जिससे हम वेस्ट मटेरियल यूरिन शरीर के बाहर निकालते हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स, ह्यूमन अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हमें फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होना पड़ता है। हमारी कैटेगरी में, हमारी कंट्री में 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स होती हैं। पहली क्रॉप जो होती है वो खरीफ की क्रॉप होती है। ये रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, जून टू सितंबर। इसमें कई सारी क्रॉप्स आती हैं, पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। दूसरे टाइप की क्रॉप होती है रबी क्रॉप, ये विंटर सीजन में उगाई जाती है, अक्टूबर टू मार्च। इनको रबी क्रॉप कहते हैं। रबी क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड्स। जैद क्रॉप्स, इन्हें समर क्रॉप्स भी कहा जाता है, ये समर सीज़न में उगाई जाती हैं। इनमें आते हैं मूंग, मस्क मेलन, वाटर मेलन, कुकुम्बर, बिटर गार्ड। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जैद क्रॉप्स के। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मीन्स खेती करने के लिए कई सारे प्रोसेसेस, एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। उनकी जो लाइन वाइज क्या क्या मेथड्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है सॉइल प्रिपरेशन। सबसे पहले लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ द सॉइल, प्लोइंग और वाटरिंग, ये जो होता है सॉइल प्रिपरेशन की जाती है। जिस भी मतलब खेती करने जा रहे हैं जहाँ पे भी हम सॉइल, तो वो जो सॉइल होगा मींस खेत जो होगा उसके सॉइल को पहले हमें लूज करना होगा, जिसके लिए हम प्लो वगैरह से करेंगे और वाटरिंग करेंगे उसकी अच्छे से। उसके बाद सोइंग का प्रोसेस आ जाता है। सोइंग का मतलब होता है कि सीड्स को बोना, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन टू द सॉइल। उसके बाद हम उसमें बीज लगाते हैं, सीड्स लगाते हैं। इसके बाद मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड करते हैं? ताकि जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो सके, तो इसलिए हम मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम सॉइल में मिलाते हैं उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए और क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ सके, उन्हें मैन्यूर और फर्टिलाइज़र कहा जाता है। इसके बाद इरिगेशन का प्रोसेस होता है कि जो भी हम क्रॉप उगाने जा रहे हैं उसमें वाटर की सप्लाई देने का जो प्रोसेस है, वाटर देने का जो प्रोसेस है, उसको इरिगेशन कहते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होती हैं? ऐसी अनवांटेड क्रॉप्स होती हैं जो कि मींस हम उगाना नहीं चाहते मगर वो उग जाती हैं, जैसे घास, ग्रास मींस ग्रास हो गई, और कई सारे ऐसे कटीले पौधे हो गए जिन्हें हम उगाना नहीं चाहते हैं लेकिन वो हमारी क्रॉप के साथ उगते हैं। तो उनको पहले हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा, और जब हम उनको हटा देंगे तो वो उसके अलावा जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उसमें क्रॉप्स में उनको भी रिमूव करना होगा। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स में आ जाता है। इनको हम केमिकल के द्वारा भी हटा सकते हैं। इन केमिकल्स को वीडिसाइड्स कहा जाता है।
ऐसे केमिकल जिनका यूज़ वीड्स को हटाने में किया जाता है उनको वीडिसाइड बोलते हैं। 2,4-D एक बहुत ही कॉमन और फेमस वीडिसाइड है। इसके बाद हार्वेस्टिंग का प्रोसेस आता है, जब क्रॉप पूरी तरीके से उग जाती है तो उस क्रॉप को काटा जाता है, ये प्रोसेस हार्वेस्टिंग में आ जाता है। और स्टोरेज, जब क्रॉप कट जाती है तो उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है लंबे टाइम के लिए, तो उसको फिर हमें मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट्स वगैरह से भी बचाना होता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? तो सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसको ह्यूमस कहा जाता है, और ये ह्यूमस जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर्स के डिकम्पोजिशंस की वजह से बनता है, जैसे कि एनिमल्स रिमेन्स से बन जाएगा, शेड लीव्स, डंग ऑफ कैटल, इन सारी चीज़ों से ये तैयार किया जाता है। पेस्ट क्या होते हैं? तो पेस्ट वो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्रॉप को ख़राब कर सकते हैं, जो भी हमने क्रॉप लगाई है उसको हानि पहुंचा सकते हैं, तो ये जो होते हैं वो पेस्ट कहे जाते हैं, और इनसे हमें अपनी क्रॉप्स को बचाना होता है। इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर टूल्स, जब भी हम किसी मींस एग्रीकल्चर का प्रोसेस करते हैं तो हमें कौन कौन से टूल्स इम्पॉर्टेंट चाहिए होते हैं। तो पहला है प्लो, हिंदी में इसको कहते हैं हल। तो प्लो जो होता है उसका यूज़ सॉइल को टिलिंग करने में यूज़ होता है, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल, तो उसमें ये प्लो का यूज़ होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक फार्मर जो है वो विद द हेल्प ऑफ बुल्स इसको चला रहा है, तो ये पीछे उसके लगा दिया जाता है। ट्रैक्टर से भी इसका यूज़ किया जाता है, तो इसमें जो है वीड्स भी रिमूव हो जाते हैं, फर्टिलाइजर्स को भी ऐड करने में यूज़ होता है, टिलिंग द सॉइल में भी इसका यूज़ होता है। हो ये वीड्स को रिमूव करने में और सॉइल को लूज करने में यूज़ किया जाता है। इसके बाद कल्टीवेटर, कल्टीवेटर का यूज़ होता है प्लोइंग में, और इसको ट्रैक्टर से लगा के किया जाता है। ट्रैक्टर और कल्टीवेटर को लगा के हम लेबर और टाइम दोनों बचा सकते हैं। ट्रेडिशनल टूल क्या है हमारे यहाँ का? सोइंग शीट्स, एक फनल टाइप का होता है, तो ये फनल जो है ये ट्रेडिशनल टूल है, ज़्यादातर यूज़ होता है ये। सीड ड्रिल्स क्या होते हैं? तो ये सीड ड्रिल्स ट्रैक्टर में लगा दिए जाते हैं और इसके ऊपर से सीड्स को छिड़काव किया जाता है, प्रॉपर डिस्टेंस सीड लग जाते हैं, तो इसलिए सीड ड्रिल्स का यूज़ होता है। सिकल क्या होती है? सिकल का यूज़ मेनली हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में होता है, जब हम क्रॉप्स पूरी तरीके से वहीं तैयार हो जाती है तो हमें उसको काटना होता है, तो इसलिए सिकल का यूज़ होता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स टॉपिक आया है, फूड फ्रॉम एनिमल्स लाइक प्लांट्स, एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लाइक फिश, मीट एंड एग्स। जैसे प्लांट्स हमें खाना मीन्स प्रोवाइड कराते हैं, वैसे एनिमल्स की तरफ से भी हम जैसे कि फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, एग खाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें एनिमल्स के द्वारा कराई जाती हैं। फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन ये सबसे इफेक्टिव मेथड होता है कि फॉर चेकिंग द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट बाय प्रोवाइडिंग स्मोक और केमिकल इन द गैसियस स्टेट विदाउट इफेक्टिंग द ग्रेन। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी क्रॉप में कितनी ज़्यादा इंसेक्ट की ग्रोथ हो चुकी है। इसमें स्मोक और केमिकल जो होता है वो ग्रेन के ऊपर डाला जाता है, लेकिन उससे ग्रेन्स को कोई भी नुकसान नहीं होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टाइस क्या होते हैं? ऐसे प्रैक्टाइसेस जो हमें करने होते हैं कि जिससे हम मतलब एग्रीकल्चर के प्रोसेस को पूरा कर पाएँ, मतलब एग्रीकल्चर कर पाएँ, तो उसको एग्रीकल्चर प्रैक्टाइस कहा जाता है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? तो एनिमल को किसी फार्म में, किसी घर में रख के रेयर किया जाए और उसको प्रॉपर फूड दिया जाए, शेल्टर दिया जाए, और फिर ये सारा का सारा बहुत ही बड़े स्केल पे किया जाए, तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। क्रॉप क्या होता है? जब सेम टाइप का प्लांट एक बहुत ही बड़े स्केल पे, एक रेगुलर मैनर में कहीं पे लगा हुआ मिलेगा, किसी प्लेस पे मिलेगा, तो उसको क्रॉप कहा जाएगा। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मेन होते हैं। ग्रेनरीज क्या होती हैं? द हार्वेस्टेड ग्रेन यूजली आर स्टोर्ड इन ह्यूज स्टोर्स आफ्टर दे आर प्रॉपरली ड्राइड इन सनलाइट, सच स्टोर्स आर कॉल्ड ग्रेनरीज। तो जब हम ग्रेन्स को हार्वेस्ट कर देते हैं तो वो ह्यूज स्टोर्स में रखी जाती हैं, वहाँ पे उनको प्रॉपरली ड्राई किया जाता है सनलाइट में लगा डालने के बाद, तो इन स्टोर्स को ग्रेनरीज कहा जाता है। हार्वेस्टिंग का प्रोसेस बताया था मैंने अभी आपको कि क्रॉप्स की कटिंग करने का प्रोसेस हार्वेस्टिंग होता है,
इरिगेशन, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। खारिफ क्रॉप्स जो रेनी सीजन में होती हैं उनको खारिफ क्रॉप कहते हैं। मैन्यूर्स क्या होते हैं? मैन्यूर्स डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बनता है। प्लो जो डिवाइस यूज़ होती है टिलिंग और प्लोइंग के प्रोसेस में। और राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? रबी क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में होती हैं। सीड्स क्या होते हैं? द प्लांट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स मीन्स इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि प्लांट्स के जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होते हैं उनको नए प्लांट उगाने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है उनको सीड्स कहते हैं। सिलो क्या है? हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर यूजली ड्राइड बिफोर बींग स्टोर्ड बिकॉज मॉइस्चर इनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी हम ग्रेन्स काट लेते हैं उनको ड्राई किया जाता है स्टोर करने से पहले, क्योंकि मॉइस्चर अगर उनमें रह जाएगा तो वो सारे उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी, जैसे फंगस वगैरह इसमें बढ़ जाएगा। तो उनको पहले किसी मेटल या फिर अर्थन मीन्स मिट्टी से बने कंटेनर में या फिर गनी बैग्स में रखा जाता है। इस टाइप के स्टोर को सिलो कहते हैं। सोइंग का प्रोसेस क्या होता है? जब हम सीड्स लगाते हैं तो इस प्रोसेस को सोइंग कहा जाता है। स्टोरेज क्या है? जब हम क्रॉप ग्रेन्स को सेफली प्लेस कर दें मॉइस्चर इंसेक्ट रेट वगैरह से बचा के, तो इस प्रोसेस को स्टोरेज कहते हैं। थ्रेशिंग का प्रोसेस क्या होता है? ग्रेन्स में से चाफ को, चाफ में से ग्रेन्स को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। वीड्स, अभी मैंने बताया था कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जिनको और अनवांटेड प्लांट्स जो कि हमारी क्रॉप के साथ उगाते हैं, इनको इस टाइप के प्लांट्स को वीड्स कहा जाता है। वीडिसाइड्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जिनका हम यूज़ करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, जिसमें मैंने 2,4-D मीन्स 2,4-D फॉर डाइक्लोरो फेनो ऑक्सी एसीटेट एसिड और मेटो, तो इस तरीके के जो साइड्स हैं उनको वीडिसाइड्स कहा जाता है। विनोइंग का प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रिंग आउट सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ इज कॉल्ड ब्रोइंग। जब ग्रेन और चाफ का हम अलग अलग मीन्स उनको अलग करेंगे, सेपरेशन करेंगे, तो उसको विनोइंग कहा जाएगा। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और लर्न कीजिए। चैप्टर 1 जो है क्लास 8 साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पूरा चैप्टर इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है और इस PDF को आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मेरी वीडियोस देखिए और इनको सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।